दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जी पर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं वारन हेस्टिंग्स की कार्यकाल की, जो कि हम आपको एकदम इजी वे में बताएंगे, जो कि आपको रटना एकदम नहीं पड़ेगा, आपको एक लाइन में ही पूरा समझ में आ जाएगा। और जो ये हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, ट्रिकी बिल्कुल एकदम ट्रिकी वे में बताएंगे, जैसे कि आपको एक भी चीज़ उसमें रटनी नहीं पड़ेगी और आपको एक बार मैं समझाती रहूँगी आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या है ये ट्रिक हमारी आज की। हम क्या बात करने वाले हैं वारन हेस्टिंग्स की, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा वो हम जानते हैं। 1774 से 1785 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, जितने इन्होंने कार्य किए वो इसी बीच में किए, तो हम उनके बारे में जानते हैं आगे। तो प्रथम मदरसा जो एशिया पेंशन बंगाल में रेगुलेट हुआ, तो गीता बोर्ड को आम दिया। ये क्या है फ्रेंड्स, हमारी एक लाइन में इनका पूरा कार्यकाल है, पूरा क्या है कार्यकाल है। तो हम एक बार इसमें फिर से फोकस देते हैं, एक बार फिर से रीड करते हैं क्या है। प्रथम मदरसा जो एशिया पेंशन बंगाल में रेगुलेट हुआ, तो गीता बोर्ड को आम दिया। तो अब हम जानते हैं इनके जो शब्द इसमें यूज हुए उसका क्या क्या है इसमें मतलब। तो यहाँ पर प्रथम मदरसा का क्या है मतलब, यहाँ पे वो जानते हैं। इसका मतलब है प्रथम मदरसा कलकत्ता, यानी कि जो प्रथम मदरसा है उसका कलकत्ता में कब स्थापना हुई इसकी, 1781 ईस्वी में। कब हुई फ्रेंड, 1781 ईस्वी में। वो किसके हुई, किसके कार्यकाल में हुई है, वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या है हमारा मतलब। इसका मतलब है जोनाथन डंकन ने पहला प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कब स्थापित किया, इसकी स्थापना कब हुई, 1782 ईस्वी में हुई इसकी स्थापना। नेक्स्ट हमारा इसके आगे जो है एशिया, यहाँ पे एशिया का क्या, यहाँ पे एशिया का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर इसका तात्पर्य है एशियाटिक सोसाइटी। यहाँ पे कब स्थापना हुई, 1784 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स किसके कार्यकाल में हुई है, वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई। ये हम आपको जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं वो किसके कार्यकाल में हुई, सारी की सारी वारन हेस्टिंग्स के बारे में है, इन्हीं के कार्यकाल में सारे कार्य हुए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं पेंशन, यहाँ पे पेंशन से क्या तात्पर्य है वो हम जानते हैं। मुगलों की पेंशन कब से बंद कराई गई फ्रेंड्स, इनके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तो आगे नेक्स्ट है हमारा बंगाल में इससे क्या तात्पर्य है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है इसके आगे बंगाल का तात्पर्य है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। हाँ ये हो गया। सो नेक्स्ट है इसके आगे हमारा रेगुलेट, यहाँ पे रेगुलेट से क्या तात्पर्य है वो हम जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब से स्टार्ट हुआ, 1773, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। सो नेक्स्ट है हमारा, ये हो चुका हुआ, तो इसमें गीता, यहाँ पे गीता का क्या तात्पर्य है हमारा फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। गीता का अंग्रेजी अनुवाद इसमें यहाँ पे किस कब स्टार्ट हुआ, 1785 ईस्वी में, किसके कार्यकाल में, वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही ज़्यादा, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही ईजी वे में है, आपको तुरंत ही फौरन याद हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है बोर्ड, यहाँ पे फ्रेंड्स बोर्ड से क्या है तात्पर्य हमारा वो जानते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये किसके कार्यकाल में हुआ, वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। सो नेक्स्ट है हमारा को, इसमें को का क्या है, कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता कब ट्रांसफर किया गया, कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता कब ट्रांसफर किया गया, किसके कार्यकाल में ट्रांसफर किया, वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट है हमारा इसके आगे आम दिया, ये हमारा लास्ट है। तो आम दिया से हमारा क्या तात्पर्य है ये देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, इनके ये जो युद्ध है ये कब हुआ, पहला और दूसरा कब हुआ, इनके कार्यकाल में ही हुआ, जो कि पहला 1767 से 1769 तक।
के बीच में हुआ, ठीक है। तो जो दूसरा सेकेंड वार है, जो सेकेंड युद्ध है, वो हमारा कब हुआ? 1784 ईस्वी में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू।